नासिक की दुर्भाग्य की स्थिति जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। पहले गेडाम सर करके यहाँ पर आयुक्त थे, जब कोई अच्छा आयुक्त आता है तो 6 महीने 8 महीने में उसका तबादला हो जाता है। ये समझ में नहीं आ रही है बीजेपी सरकार चाहती क्या है। जैसे कांग्रेस के ज़माने में खेमका का बनाया जाता था 36 ट्रांसफ़र 30 साल में, वैसे ही हाल यहाँ पर हो रहा है। नासिक का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले गेडाम सर और अभी मुंडे साहब जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ 4 महीने हुए हैं उनको यहाँ पर आए हुए, और इतने अच्छे से काम करने के बावजूद भी ट्रांसफ़र हो रहा है। इससे पता लग रहा है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई अफसर काम करे, सिर्फ उनकी रबर स्टैम्प बनकर यहाँ पर काम करते रहें। और यहाँ के जो टक्केवारी वाले जो नगर सेवक हैं, नगर सेवकों को सिर्फ एक बात पे तकलीफ़ हो रही है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं 40-50 लाख की पजेरों में जो घूमते हैं, नगर सेवक कहना उनको लाज आनी चाहिए अभी कि उनको नगर सेवक कहें या नगर गुंडे कहें, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा हो गया है कि गुंडे वर्सेस मुंडे। तो अभी मुंडे साहब इतना भारी पड़ रहे हैं इन गुंडों पर कि अब इनके पास एक ही चीज़ रह गई है कि पैसा कॉन्ट्री किया जाए, और ऐसा सुनने में आया 10 से 12 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं ताकि मुंडे साहब का ट्रांसफ़र करवाया जाए। और सरकार को पहले ये देखना चाहिए कि पहले तो उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर क्यों हुआ, और अगर हुआ है तो IAS को बोलो कचरा कुंडी समझ के ना इस्तेमाल करें कि कभी यहाँ रख दिया कभी वहाँ रख दिया। और उनका ट्रांसफ़र इस तरीके से, 4 महीने में कोई ट्रांसफ़र होता है, 3 साल का तो मिनिमम क्राइटेरिया है। तो अगर आप IAS को भी इस तरीके से ट्रीट करेंगे और सिर्फ नगर सेवकों के हिसाब से अगर सरकार चलानी है तो ये पद ही रिक्त कर दिया जाए और पूरी तरह से नगर सेवकों के हाथ में ये नासिक दे दिया जाए। इतना अच्छे से कारोबार, क्योंकि मैं पर्यावरण के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे मालूम है कचरा जलाने की जो समस्या पूरे देश में है, नासिक को पहला शहर बनाया है मुंडे साहब ने जिसको हम कह सकते हैं कि वेस्ट बर्निंग फ्री सिटी। उसके बाद प्लास्टिक पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, तो जैसा प्रतिबंध आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी लागू नहीं हुआ है। हर जगह गुटखे जैसा प्रतिबंध लग गया है कि गुटखे पे बैन है और सभी जगह गुटखा अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ नासिक, ये हम लोग 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि जितना प्रतिबंध नासिक में लगा है प्लास्टिक पर उतना कहीं नहीं लगा है। और ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना ही है तो आप हमें बताइए, जनता को बताइए कि क्या प्रॉब्लम है उनको मुंडे साहब से। इनकी जो पजेरों की जो गाड़ियां ले ली हैं 40-40 लाख की, क्या उनके हफ्ते नहीं भर पा रहे हैं ये, इसलिए ये ट्रांसफ़र हो रहा है? तो ये ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है और उसमें कितने करोड़ का ट्रांसैक्शन हुआ है वो बताया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को दखल लेनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसको दत्तक लिया है नासिक को, तो दत्तक किस लिए लिया है कि 4-4 महीने 6-6 महीने में वो कमिश्नर ट्रांसफ़र करते रहें ताकि कोई भी काम ठीक से हो ना पाए? तो इस बारे में ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये किसी एक आदमी का ट्रांसफ़र नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। मुंडे जी को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। वो इतना भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यहाँ कचरा वगैरह उन्होंने पूरा साफ़ करवा दिया है, ओला कचरा और सूखा कचरा सब अलग अलग करते हैं, और प्लास्टिक के ऊपर इतना बैन लगाया उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, फिर उनको क्यों चेंज किया जा रहा है, यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों किया जा रहा है? ट्रांसफ़र करने का मतलब ही कोई नहीं, जब इतना अच्छा वो काम, 4 महीने के अंदर भी कोई ट्रांसफ़र होता है क्या किसी का? तो उनको इधर ही रखा जाए, उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाए बिल्कुल भी, और काम इधर अच्छे से कर रहे हैं वो।